Today we are going to study a very interesting topic in mathematics, which is the multiples and the factors. So student, now before starting, we should learn these terms. What do you mean by the multiples and the factors? So first we will see what are the multiples. So let us see. Multiples and factors. First we will take the multiples. Now what is the multiples? Multiples of a number is the product obtained when the number is multiplied by the given number or any other नंबर. सो दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल. मल्टीपल वो होता है जब भी हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट. अगर आपको 15 का मल्टीपल पता करना है तो इसका मतलब है कि आप कौन कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका नंबर 15 आएगा. ठीक है, जो भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उसका प्रोडक्ट आता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल. मल्टीपल नंबर मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑब्टेन when a given number is multiplied by the same number or any other number. For example, we will take number 15. So, इसका मल्टीपल क्या होगा, कौन कौन से नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका प्रोडक्ट 15 आएगा. क्या कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 से लेंगे, 1 × 15 क्या प्रोडक्ट देंगे, 15 देंगे. सेकेंड 2 से, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15. 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 7 के नंबर में भी 15 नहीं आता, 8 के नंबर, देन 5 के बाद हम कोई नंबर नहीं लेंगे क्योंकि 5 के बाद हमारा नंबर कौन सा आ जाता है, 15. तो कौन कौन से मल्टीपल हो गए 15 के, कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 15 मिलता है, 1 × 15 तब 15 मिलेगा प्रोडक्ट, 3 × 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको प्रोडक्ट मिलेगा 15. सो क्या डिफिनेशन कहती है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारा, ऑब्टेन व्हेन अ गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, नंबर 1 × 15 जो 15 था मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, ये हमारा सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जो सेम नंबर था 15 दिया गया था, मैं सेम नंबर्स बाय द सेम नंबर और एनी अदर नंबर. एनी अदर नंबर में कौन सा आ गया, 3. 3 से हमने मल्टीप्लाई किया कितने को, 5 से, तो कितना आया 15 आया. तो कौन कौन से मल्टीपल हो गए, 1, 3, 5 and 15. दीज आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ 15. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. नाउ टेल मी द मल्टीपल्स ऑफ 24. ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जब हमको मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोडक्ट 24 आएगा. कौन कौन से नंबर होंगे, हम 1 से लेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नंबर 1, 1, 2, 3, 4, वी विल गो लाइक दिस. इस तरीके से हम चलेंगे, नंबर को देखेंगे कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने पे हमको 24 देगा. तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 24, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 24 आया. सेकेंड हम नंबर 2 लेंगे, 2 × 12 = 24. क्या 3 के टेबल में जाता है 24? यस, 3 × 8 = 24.
फोर के टेबल में, यस फोर के टेबल में नहीं जा पाए, फोर सिक्स जाइज 24, सेवन के टेबल में नहीं जाता, एट के टेबल में नहीं जाता, उसके बाद आप यहीं से सिक्स के बाद क्या होगा, एट आएगा, एट के बाद ट्वेल्व आएगा, ट्वेल्व के बाद 24 आएगा, ठीक है। अगर सिक्स नंबर आ जाए, सेवन पे होता नहीं है तो समझ लीजिए सिक्स तक हमने काउंट किया, सिक्स में सिक्स हो जाए 24, फिर एट थ्री जा, फिर ट्वेल्व टू जा एंड टू वन जा 12, तो इतने सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना प्रोडक्ट आएगा 24। सो अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, कौन सा इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन अ नंबर गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, दिस इज द सेम नंबर एंड अदर नंबर, और कौन कौन से अदर नंबर्स थे, टू थे, थ्री थे, फोर थे, सिक्स थे, एट थे, ट्वेल्व थे, तो कौन कौन से मल्टीपल्स हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 24 कौन कौन से हो गए, टू हो गया, थ्री, फोर, सिक्स, एट, ट्वेल्व एंड 24, ये इसके इतने मल्टीपल्स हो गए, टू इंटू थ्री, सिक्स, सिक्स फोर जै 24, ये तीन, सिक्स दिस इज अ नंबर 12, टू जैस 24, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारे मल्टीपल्स हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 24, कौन कौन से मल्टीपल्स हुए, ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा नंबर प्रोडक्ट आएगा 24, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू, ये हमारे क्या निकल के आ गए मल्टीपल्स, कौन कौन से, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, ये हमारे मल्टीपल्स ऑफ 28, ठीक है, ये सब आ गए हमारे मल्टीपल्स, सो दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल्स। नाउ स्टूडेंट, अगर हमको मल्टीपल्स निकालने हैं ऑफ सिक्स, सिक्स के तीन मल्टीपल्स हमको निकालने हैं, नाउ राइट थ्री मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, कौन कौन से होंगे मल्टीपल्स ऑफ सिक्स, यस थ्री मल्टीपल्स कितने हैं, एक तो ये हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा मल्टीपल, और ये हमारा तीसरा, हमको सिक्स का मल्टीपल निकालना है, सिक्स का मल्टीपल मतलब सिक्स का टेबल में तीन बार, सिक्स का टेबल हमको थ्री टाइम्स लिखना है, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा एंड सिक्स थ्री जा, सिक्स का राइट थ्री मल्टीपल, तीन मल्टीपल्स हमको सिक्स का लिखना है, मतलब हमको सिक्स का टेबल कितनी बार पढ़ना है, थ्री टाइम्स पढ़ना है, ये हमारा टेबल हो गया, ये मल्टीपल्स ऑफ सिक्स निकल गए, ये राइट थ्री मल्टीपल्स, हमको तीन मल्टीपल्स लिखने थे सिक्स के, तो क्या हो गए, सिक्स वन जा सिक्स, ये आ गया सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व आ गया, सिक्स थ्री जा 18 आ गया, तो कौन से थ्री मल्टीपल्स आ गए, दीज आर कॉल्ड द थ्री मल्टीपल्स, नाउ थ्री मल्टीपल्स ऑफ सिक्स कितना आ गया, सिक्स वन जाए सिक्स आ गया, सिक्स टू जाए ट्वेल्व आ गया, और सिक्स थ्री जाए 18 आ गया, सो दिस इज कॉल्ड थ्री मल्टीपल्स हमने लिखे सिक्स के, इट इज द मल्टीपल्स, अगर आपको पता करना है कि तीन मल्टीपल आप सिक्स के बताइए, तो मतलब हमको टेबल लिखना है सिक्स का कितनी बार, तीन बार, इसी तरीके से अगर आपको लिखना होता फाइव का मल्टीपल, फाइव के तीन मल्टीपल्स, देन अगर हमको नंबर होता फाइव, फाइव राइट थ्री मल्टीपल्स ऑफ फाइव, तब क्या करते, मतलब फाइव का टेबल लिखना है तीन बार, तो फाइव इंटू वन, फाइव इंटू टू इज टेन एंड फाइव थ्री इज 15, ये हमारे क्या हो गए तीन मल्टीपल, फाइव टेन एंड 15 आर
थ्री मल्टीपल्स ऑफ फाइव. ओके स्टूडेंट, सो दिस वे हम मल्टीपल्स निकालेंगे किसी भी सिंगल नंबर का. फाइव का मल्टीपल निकालना था, ठीक है. फाइव का मल्टीपल हमको फाइव के तीन मल्टीपल निकालने थे, तो तीन मल्टीपल्स हमने निकाल दिए. कौन कौन से? फाइव, टेन एंड फिफ्टीन, ये हमारे तीन मल्टीपल हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वे वी विल डू द मल्टीपल्स. सेकेंड टॉपिक हम लेंगे अपना फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.